दिस इज रोहित शंकर माने एंड यू आर वॉचिंग साइंटिस्ट अकेडमी टूवर्ड साइंटिफिक वर्ल्ड। एक्चुअली इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि PhD के बारे में, हाउ टू एनरोल फॉर PhD, व्हाई टू एनरोल फॉर PhD एंड हाउ टू सर्वाइव इन PhD एंड मेनी मोर थिंग्स रिगार्डिंग टू द PhD। तो ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू एनरोल फॉर PhD। तो चलो देखिए, PhD मतलब इट इज़ लाइक रिसर्च, एक प्रकार का रिसर्च होता है। यहाँ पे हमें रिसर्च करना पड़ता है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। तो ऐसा टॉपिक हमें चूज़ करना है जो हमको बहुत इंटरेस्टेड लगता है, या फिर ऐसा एक टॉपिक चूज़ करना है ये, या फिर वो टॉपिक एक्चुअली हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में करंट टॉपिक हो, या फिर वो टॉपिक पे सोल्यूशन निकाल के हम सोसाइटी को कुछ अच्छा दे सकते हैं, या फिर सोसाइटी में ऐसे कुछ बहुत सारे बर्निंग प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके ऊपर हम रिसर्च करके सोसाइटी कुछ अच्छा प्रदान दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी की बात करते तो कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो अगर किसी को PhD करनी है तो दे कैन डू PhD लाइक कोरोना वायरस ड्रग्स, कोरोना वायरस बैक्टी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स किसी भी प्लांट से निकाल के, या फिर किसी भी बैक्टीरिया से निकाल के, या फिर किसी भी फंगाई से निकाल के उसके तरफ एंटीबायोटिक तैयार करना, या फिर ऐसा कोई वैक्सीन प्रिपेयर करना। सो ये ऐसे रिसर्च के टॉपिक हो सकते हैं ऑन द बेस ऑफ करंट स्टेटस ऑफ सोसाइटी। विलेज में कोई बहुत कोई इंपॉर्टेंट डिसीज चल रहा है, मतलब उस डिसीज से हर कोई मर रहा है, तो उस डिसीज के ऊपर हम एंटीबायोटिक निकाल सकते हैं, उस डिसीज के ऊपर हम वैक्सीन निकाल सकते हैं, उस डिसीज के ऊपर कुछ भी निकाल सकते हैं जिसकी वजह से वो डिसीज क्योर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी गुजरात में एक फीवर आया है, ओके, वो पालघर के बीच में है, तो उस फीवर के अगेंस्ट वी डोंट हैव एनीथिंग। सो मैं उस फीवर का नाम भूल गया, लेकिन उस फीवर के अगेंस्ट वी डोंट हैव नथिंग, वी डोंट हैव एनीथिंग। सो ऐसे रिसर्च मतलब क्या, जो हमारे सोसाइटी में जो बर्निंग प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना, दिस इज द PhD, दिस इज द रिसर्च इन लाइफ साइंस। एंड मैंने भी PhD की है तो मुझे पता है कि कितना घिसना पड़ता है PhD में रिगार्डिंग टू द वर्क करने के मामले में, या फिर हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक सेटअप लगाने से वो सेटअप या फिर वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने तक कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर एक PhD कैंडिडेट ही, PhD स्कॉलर ही सोच सकता है, अगर वही सोच सकता है, एक रिसर्चर ही सोच सकता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, या फिर आप कहीं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल NCL, या फिर CSIR की किसी इंस्टीट्यूट में, या फिर ICR किसी इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती, बिकॉज दीज इंस्टीट्यूट आर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट एंड खास करके रिसर्च के लिए ही बनी है, यहाँ पर सिर्फ रिसर्च ही होता है। तो आपके रिसर्च के तहत बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर मिलेंगे, सोफिस्टिकेटेड बुक्स वहाँ पर मिलेंगे, सोफिस्टिकेटेड रिसर्च पेपर्स वहाँ पर मिलेंगे। तो ये सारा जो डेटा है ये आपको हेल्पफुल करता है रिसर्च करने में, PhD करने में। लेकिन हालांकि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ में एक तो रिसर्च बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है, कि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं खास करके टीचिंग के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ना कि रिसर्च के लिए। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको PhD गाइडशिप मिलती है, मतलब वो रिसर्च कर सकते हैं, या फिर रिसर्च स्टूडेंट को ले सकते हैं, PhD करवा सकते हैं। तो उनके लिए तो नंबर ही मायने रखता है एक्चुअली, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कोई नहीं दिखता, उनके लिए स्टूडेंट नंबर मायने रखता है, उनके लिए पब्लिशिंग मतलब पेपर का नंबर मायने रखता है, उनके लिए सिर्फ पेटेंट मायने रखते हैं, उनके लिए आउटपुट कुछ मायने नहीं रखता। बिकॉज मैंने भी PhD यूनिवर्सिटी से की है तो आई नो दैट वेरी वेल। बट बहुत सारी चीज़ें होती है, तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे PhD को एनरोल कैसे होना है। तो देखिए, अगर PhD को आपको एनरोल होना है तो उसके लिए आपको हमारे जो इंडिया में खास करके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे कि CSIR UGC नेट है, या फिर ICR नेट है, या फिर ICMR नेट है, BARC नेट है, बहुत सारे ऐसी नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो दे के आप कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, उस रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में PhD कर सकते हो। ओके, दूसरी बात ये भी है कि ये जो एग्जाम्स दे के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD कर सकते हो, IIT में PhD कर सकते हो, अगर आप GATE क्वालिफाइड हो। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में PhD करनी है तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग पेट एग्जाम होती है, मतलब PhD एंट्रेंस टेस्ट होती है। हर यूनिवर्सिटी की जब एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भरने के बाद वो पेट एग्जाम का अनाउंसमेंट देते हैं, पेट मतलब PhD एंट्रेंस टेस्ट होती है, वो आपको देनी पड़ती है। वो देने के बाद उनका मेरिट लिस्ट लगता है, उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद वो फाइनल मेरिट लिस्ट लगाते हैं, उसके बाद वो कैंडिडेट सिलेक्ट कौन हुआ कौन नहीं सिलेक्ट हुआ ये बताते हैं। ओके,
अगर आप नेट क्वालिफाई हो, अगर CSIR UGC नेट, या फिर अगर आप ICAR नेट क्वालिफाई हो, या फिर कोई भी नेट क्वालिफाई हो, तो आपको अगर नेट क्वालिफाई हो के भी आपको यूनिवर्सिटी में ही PhD करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको पेट एग्जाम जो होती है वो देनी नहीं पड़ती, आप वो एस्केप कर सकते हो, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू को बुलाया जाता है। तो आपके मार्क्स सीट पेट की नहीं लेते, आपके नेट के मार्क्स वहाँ पे पकड़े जाते हैं, और फाइनली आपको सिर्फ इंटरव्यू को बुलाया जाता है, फाइनली आपको रिजल्ट मिलता है। हालांकि जो नेट क्वालिफाई या फिर गेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स होते हैं उनको यूनिवर्सिटीज में लेते ही है। ओके, लेकिन हालांकि यूनिवर्सिटीज के अगर पेट देखे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी बात करें, तो बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है। जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, खास करके उनके स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं जो वहाँ से पढ़े हुए, वहाँ से गए हुए, जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब कहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, एग्जाम के दौरान स्ट्रगल करना पड़ता है, इंटरव्यू के दौरान स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब स्ट्रगल करके भी अगर उनको चांस मिलता है तो सोने पे सुहागा, अगर वो गाइड को, जो गाइड लोग हैं उनको इम्प्रेस कर पाए तो तभी उनको PhD में एनरोल मिलता है। ओके, अभी बात आती है सब्जेक्ट कौन सा चूज करें PhD में। देखिए, मैंने जैसे बताया कि जो करंट टॉपिक होते हैं, करंट टॉपिक्स जो होते हैं उन पे अगर आप PhD में सब्जेक्ट चूज करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसके ऊपर आप खुद PhD कर सकते हो, खुद का इंटरेस्ट लेके आप PhD कर सकते हो। ओके, तो मैंने जब PhD स्टार्ट की थी तो मुझे याद है तो मेरा टॉपिक ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया था। एक्चुअली बहुत मेरे टॉपिक की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरा एक दोस्त है, तो मैं और मेरा दोस्त ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। ओके, और तब उसने मुझे बताया कि यार एंडोफाइट फंगा है, एंडोफाइटिक फंगा न्यू एरिया है रिसर्च का, और हमारे महाराष्ट्र में कोई भी इस पे काम नहीं करता। हालांकि मुझे तब एंडोफाइटिक फंगा है मतलब कुछ पता नहीं था, घर में गया, घर में जाके मैंने मोबाइल पे सर्च किया एंडोफाइटिक फंगा है क्या है, तब मैं PhD करने की सोच रहा था। तो मैंने पूरे मतलब महाराष्ट्र जितनी यूनिवर्सिटीज़ है सब जगह मतलब वेबसाइट पे देखा कौन इस पे काम करता है। एक मैडम थी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंडर करती थी, जो बारामती से मैडम थी, उनका नाम नहीं याद मुझे। तो हालांकि तो इसके चलते तहत मैंने, जहाँ से मैंने MSc भी की, बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे मैंने PhD के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने अप्लाई किया, मैंने उनके एंट्रेंस भी क्वालिफाई कर दी, लेकिन एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद भी उनकी जो प्रोसेस थी मतलब इंटरव्यू कॉल करने के लिए 1 साल चली थी, तो उससे मैं तंग आ गया था। मतलब तो प्रोसेस कम से कम 1 या 2 महीने की चलती है, उनकी 1 साल चली तो मैं तंग आके मैंने उस यूनिवर्सिटी का आगे कुछ भी नहीं किया, मतलब फॉर्म नहीं भरा, इंटरव्यू को कॉल आए थे उनके, मैं नहीं गया, मैंने रिजेक्ट कर दिया उनका। तो उसी टाइम मैंने क्या किया था, कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ का फॉर्म भरा था, मेरे संतोष, एक दोस्त है मेरा संतोष करके, उसके कहने के तहत। तो वहाँ पे मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, तो वहाँ पे तो बहुत भीड़ थी बच्चों की, सिर्फ 6 सीट थी, 6 या 2 सीट्स थी, खास करके 2 सीट्स थी, और 2 सीट्स के लिए बच्चे आए थे कम से कम 100-150। तो मेरा तो लगा कि, और ऊपर से लोग बोल भी रहे थे कि यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ अपने ही स्टूडेंट्स लेते हैं, बाहर से जो आते हैं उनको नहीं लेते, तो मुझे तो लगा यार नहीं मिलेगा अब। लेकिन एग्जाम क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू हो गए, इंटरव्यू मैंने बहुत अच्छे से दिया था। मुझे याद है कि जो गाइड्स थे वहाँ पे, जो 7-8 जो गाइड बैठे थे, वो सब मुझे मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए थे, क्योंकि मेरे रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश थे, मेरा टॉपिक ऑलरेडी सिलेक्ट था, मेरा जो एंडोफाइटिक फंगा पे मुझे काम करना था, तो इस ये चलते तहत मेरा सिलेक्शन हो गया था। ओके, तो जब एनरोल होते तो PhD टॉपिक, जैसे मैंने बताया कि करंट रिसर्च टॉपिक हो और एक नया टॉपिक हो, खास करके अगर आप एंडोफाइटिक फंगाई जो मेरा टॉपिक है उससे बात करें, तो आपको महाराष्ट्र में बहुत कम लोग मिलेंगे, मतलब गिने चुने लोग मिलेंगे जो एंडोफाइटिक फंगाई पे काम करते हैं, तो उनमें से मैं भी एक। अगर आप PhD यूनिवर्सिटीज में कर रहे हो ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, तो उसके चलते थे, तो अगर आपके गाइड का किसी कहाँ पे कोलाब्रेशन वर्क होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ में PhD कर रहा था, लेकिन जो मेरे गाइड है उनका कोलाब्रेशन NCL के साथ था, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, तो मेरे भी वहाँ पे बहुत सारे पहचान के लोग थे, तो मैंने उधर काम किया। मैंने आधा काम मतलब बहुत जो इम्पोर्टेंट काम था मेरा, वो काम मॉलिक्यूलर डॉकिंग का काम या फिर कैंसर एप्लीकेशन का काम मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया, और मैंने आधा काम किडनी स्टोन पे भी था, तो मैंने आ रहा कि आधा काम मेरा किडनी स्टोन का, मेरा एक दोस्त की लेबोरेटरी है जो महाराष्ट्र में है, तो उसके यहाँ किया। लेकिन ये सब करने के मतलब दौरान ना, आपको लेटर लेना पड़ता है आपके इंस्टीट्यूट से, या आपके इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ से आप PhD कर रहे हो वहाँ से, और जहाँ जाके आप काम कर रहे हो
वहां से आपको लेटर कलेक्ट करके इधर उधर देना पड़ता है, तभी आप काम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटीज में एनरोल हो गए तो वहां पे ही आपको काम करना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहाँ पे भी जाके काम कर सकते हो, लेकिन आपको जो पीएचडी मिलेगी, आपको पीएचडी उसी यूनिवर्सिटी से मिलेगी जहाँ से आपने काम किया है, लेकिन जहाँ दूसरी जगह आप जाके आप काम करो वो तो कोलैबोरेशन वर्क करके माना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिजाइन प्रोटोकॉल्स फॉर दी पीएचडी टॉपिक्स और पीएचडी रिसर्च। रिसर्च करना पड़ता है। देखो, पीएचडी का रिसर्च करना इतना आसान नहीं है। मुझे पता है कि एंडोफाइटिक फंगा, ओके, फंगा आइसोलेट करना ये जोक नहीं माना जाता, ये जोक नहीं है एक्चुअली। उस पे से एंडोफाइटिक फंगा मतलब प्लांट के अंदर से फंगाई निकलना है हमको। हम बाहर से कैसे भी निकाल सकते हैं, सॉइल को सीरियल डाइल्यूशन करो, उसको स्प्रेड करो, पोअर करो, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, या फिर वाटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर से निकालना था मेरे को। तो दैट वाज टफेस्ट जॉब फॉर मी, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत सारे बुक्स पढ़े थे, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े थे। मतलब 10 to 15 hours में लैब में काम कर रहा था पहले लैब में, तो उसके चलते थे, तो मुझे बहुत एक एक्यूरेसी आ गई थी प्रैक्टिकल में कि ओके, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा आ जाएगा। तो एक मेरा अजम्पशन हो गया था, तो उसके चलते तहत मैंने पूरा सेटअप प्रोटोकॉल बना दिया पहले। तो प्रोटोकॉल के चलते तहत मैंने किया था। देखो, प्रोटोकॉल कैसे बनाएंगे, तो आसान सीधी सीधी सी बात है कि हमारे पीएचडी में क्या होता है, हमारे पीएचडी में हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, मेरे टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, हर एक ऑब्जेक्टिव के हम हमें टास्क बनाने पड़ते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था आइसोलेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंडोफाइटिक फंगाई फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, तो ये पहले ऑब्जेक्टिव में मेरे मैंने 3 टास्क बनाए थे। पहला था आइसोलेशन का, दूसरा था कैरेक्टराइजेशन का, तीसरा था आइडेंटिफिकेशन का। ये 3 मैंने टास्क बनाए। हर एक टास्क का मैंने अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए। आइसोलेशन का मैंने टोटल 5 प्रोटोकॉल बनाए थे, 5 टेक्निक्स, 5 मेथड्स का यूज़ करके मैंने आइसोलेट किया था। और आइसोलेशन करने के लिए मुझे पूरे 8 मंथ्स लगे थे, 8 मंथ्स जस्ट फॉर आइसोलेशन। डेली डेली 10 से 12 घंटे काम, समझ सकते हैं पीएचडी कितनी डिफिकल्ट होती है। तो डेली 10 से 12 घंटे काम और 6 to 8 months लगे थे मुझे सिर्फ आइसोलेशन करने के लिए। ओके, तो आइसोलेशन जब मुझे हो गया, तो आइसोलेशन के बाद मेरा जो सेकेंड प्रोटोकॉल मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा था वो था कैरेक्टराइजेशन का। तो कैरेक्टराइजेशन मुझे बहुत ईजी गया, क्योंकि इसीलिए मुझे ईजी गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका प्रोटोकॉल बना के रखा था और मुझे पता था कि क्या क्या इसमें प्रोटोकॉल्स में कुछ गलत जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो उसके चलते थे मैंने बहुत अच्छा वो प्रोटोकॉल बनाया था एक्चुअली। तो प्रोटोकॉल डिजाइन करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, उसके लिए आपको बहुत रीड करना पड़ता है, तो रिसर्च पेपर्स बहुत रीड करने पड़ते हैं, और जो टेक्निक्स हैं उनको बहुत बारीक बारीकाई से देखना पड़ता है, तभी आप कोई भी प्रोटोकॉल कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू सर्वाइव इन पीएचडी। ओके, तो पीएचडी में अगर आपको सर्वाइव करना है, तो आपको आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट बात मतलब फेलोशिप होनी चाहिए। फेलोशिप अगर हो गया आपके पास, तभी आप पीएचडी में सर्वाइव कर सकते हो मेंटली, फिजिकली, सोशली, क्योंकि पैसा एकमात्र ऐसी चीज़ है पीएचडी में जो आपको हेल्प आउट करते हैं कहाँ पर भी। लाइफ साइंस में पीएचडी करनी है तो आपको कम से कम 5 to 10 lakh rupees की ज़रूरत पड़ती है। मैं बोल रहा कम से कम 5 to 10 lakh rupees पड़ते ही है। मुझे 8 लाख रुपये खर्चा है पीएचडी का, 8 लाख। तो आप बोलेंगे इतना कहाँ लगता है, अरे भैया लगता है, मैं रहने की खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिसर्च की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, हमारे लाइफ साइंस में कैसे होता है, लाइफ साइंस में अगर पीएचडी करनी है आपको, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे ही आपकी पीएचडी क्या है ये पता चलती है। तो वहाँ पे आपको बहुत बारीकाई से काम करना पड़ता है, तो इसीलिए पूरा वो पैसा वहाँ पे लग जाता है। ओके, तो नेक्स्ट बात आती है पैसा कहाँ से लाए, लाए कहाँ से पैसे। तो आपके पास अगर डैडी फेलोशिप है तो बहुत अच्छा है। डैडी फेलोशिप मतलब डैडी से पैसे लेना। तो अगर आपके डैडी रिच है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके डैडी रिच नहीं है, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं जिनको पीएचडी करनी है उनको, वो आप फेलोशिप के लिए जा सकते हो, मतलब सीएसआर नेट की फेलोशिप है, या फिर अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो बार्टी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च लाइक फेलोशिप उनकी, मुझे वही मिली थी, सिर्फ सर्टिफिकेट मिला था, पैसे नहीं मिले मुझे। ओके, तो वो वही है, या फिर जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की फेलोशिप होती है, वो होती है कम से कम 10,000 तो हो ही जाती है। कर्नाटक यूनिवर्सिटी की 6,000 फेलोशिप थी, तो 6,000 आपको पर मंथ बस हो जाते हैं।
तो नेक्स्ट बात आती है फेलोशिप। ओके तो फेलोशिप क्या आपके पास होनी ही है, विदाउट फेलोशिप पीएचडी नहीं कर सकते। सेकंड बात आती है पेशेंस की, आपके पास पेशेंस बहुत होना मतलब ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। तो ऐसे आप पीएचडी को एनरोल हो सकते हो, रिसर्च टॉपिक चूज कर सकते हो और वो पीएचडी आपकी कंप्लीट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।